कुछ टीवी एंकर पत्रकारिता की मर्यादा का सरेआम कुचलते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अमीश देवगन के खिलाफ मामला दर्ज करवाने हेतु मुस्लिम समुदाय ने आवेदन दिया है। हम आपको बता दें कि न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने लाइव डिबेट पर हजरत फौजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हमला करने वाला और लुटेरा चिश्ती कहकर ख्वाजा साहब को अपमानित किया है और हिंदुस्तान के सभी धर्मों के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हैं और उनकी दरगाह देशवासियों की आस्था का केंद्र है, जहां पर सभी धर्म और जाति के लोग आस्था के साथ आशीर्वाद लेते हैं। अमीश देवगन ने करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, जिसके मुल्क भर में रोष है। खंडवा मुस्लिम समुदाय ने न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही को लेकर खंडवा अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। खंडवा से शाहरुख मंसूर की रिपोर्ट। न्यूज इंडिया 18 का जो एंकर है सुमित जो देवगन, उसने क्या करा, सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला की बारगाह के अंदर बहुत बड़ी गुस्ताखी करी, उनको अपरांता कहा, उनको लुटेरा कहा गया, जबकि ये सब गलत है। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोग मानते हैं, यहाँ तक हमारे हिंदू समाज के भाई लोग कुछ ज़्यादा ही उसमें आस्था रखते हैं। हर साल उर्स में जाते हैं, उनसे फैजियाब होते हैं, उनसे मुरादें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। अब इस खबीस ने क्या करा है, ख्वाजा साहब की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी, उनको लुटेरा कहा, माज़ अल्लाह, मतलब बहुत बड़ी गुस्ताखी है। हम मुसलमानों के दिलों को बहुत तकलीफ पहुँची इससे, क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत बात है। सूफी संत रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने अमन और शांति का पैगाम दिया है हिंदुस्तान के अंदर। आपने अमन और शांति के साथ साथ लोगों में भाईचारा एकता की बात रखी है, अब उनके बारे में एक बात कहने में बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम कोविड-19 से पूरा हिंदुस्तान सब हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं, इस बीच के अंदर ये दलाल मीडिया ने, मतलब अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर के अंदर ये दलाल मीडिया ने बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया, जिससे हमें गलत लगा। इस पर FIR दर्ज होना चाहिए, इसके यहाँ तक इसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि जो दिलों को ठेस पहुँचा मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भाइयों को भी ठेस पहुँची है। सूफी साहब जो है विश्व प्रसिद्ध है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ख्वाजा सैयब 800 साल से ऊपर हो गया इनको, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति का पैगाम दिया। इन्होंने जो कहा गलत करा, हम इसकी पूरी तरह से कड़ी निंदा करते हैं, इसको फांसी सजा होना चाहिए। हमारी बस यही है, हमने भी कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, उनके समक्ष अपनी बात रखी है। SP साहब को भी हमने आवेदन देकर आए, वहाँ भी हमने अपनी बात रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।